गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम चंद्रकोट से दे रहे हैं आपको अपडेट रामबन तक। हम आज रामबन चंद्रकोट से जर्नी स्टार्ट की है, तो जा रहे हैं हम यहाँ। ये मस्जिद यहाँ पे बीच में देख सकते हैं आप, यहाँ से था ना रास्ता थोड़ा। तो जा रहे हैं रामबन की तरफ हम। ये कर दिया सेट इसको मैंने, जा रहे हैं अब। ये देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन का भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी तैयार रोड हो जाएगा ये। अनकट वीडियो रहेगी आज, तो देख सकते हैं आप। आज तो ट्रैफिक भी बहुत कम है, शायद श्रीनगर की ट्रैफिक है तो लेट आएगी ट्रैफिक थोड़ी। ट्रैफिक थोड़ी लेट आएगी मुझे लगता है, आज बिल्कुल खाली है रोड, क्योंकि जब श्रीनगर की ट्रैफिक होती है तो गाड़ी काफ़ी लेट आती है, काजीकुंड से गाड़ी छोड़ते हैं लेट, तो यहाँ पे पहुँचती है तकरीबन 2 बजे के बाद। तो फिलहाल कोई भी रश नहीं है यहाँ पे। ऊपर वाली लाइन हमारी चंद्रकोट की ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है ऊपर वाला। यहाँ पे ब्रिज भी देख सकते हैं आप, सल्ला ब्रिज है ये, सल्ला वाला डुगी बुली वाला ब्रिज है ये है डुगी बुली वाला ब्रिज। डुगी बुली पहुंचे हम, गाड़ी काफी तेज आ रही है, ये देख सकते हैं डुगी बुली रोड। दोनों लाइन्स रेडी हुए तकरीबन, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम बच गया। काम लगा हुआ है चिनाब ब्रिज, जसवाल ब्रिज भी बोलते हैं इसको। तो एक ब्रिज तो है यहाँ पे, दूसरा ब्रिज का भी काम चल रहा है। तो ये आ गए हैं ब्रिज पे हम, दूसरे ब्रिज का भी काम चल रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, व्यू देख सकते होंगे थोड़ा बहुत, और राइट साइड में देख सकते हैं जसवाल ब्रिज का काम चल रहा है यहाँ पे। ये अपना ब्रिज, ये आ गया पुराना ब्रिज करोल वाला। करोल पहुंचे, काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, काफ़ी स्पीड के साथ काम हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं रेडी है तकरीबन यहाँ पे,
बड़ी स्पीड के साथ काम चल रहा है क्रोल इलाके में इस वक्त। आज मौसम साफ है, व्यू काफ़ी बढ़िया आ रहा होगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। देख सकते हैं यहाँ भी मुझे लगता है नया ब्रिज बनेगा, बिल्कुल हल्का सा ब्रिज है ये, छोटा ब्रिज, तो शायद इसको भी तोड़ा जाएगा और नया ब्रिज इसकी जगह बनाया जाएगा आई होप। यहाँ से ये लेन मुझे लग रहा है अभी बंद ही है फिलहाल, हम पुराने लेन से ही जाते हैं आगे, क्या पता आगे बंद नहीं हो, इसलिए मैं पुराने लेन से ही जा रहा हूँ। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े खड्डे। आज एक्सीडेंट वाली साइड भी बताएंगे, मेहाड़ वाली जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें वो साइड देखनी है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वो भी आपको मैंने दिखानी है, तो वीडियो में बने रहे। अभी हम जा रहे हैं क्रोल के इलाके में, अभी थोड़ा मेहाड़, अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेहाड़, दोनों लैंड बन चुकी हैं, नीचे से भी जा सकते हैं हम, ये देखते हैं आगे कनेक्ट हो रही है, देखते हैं आगे कनेक्ट होती है कि नहीं दूसरी लैंड। तो यहाँ से है थोड़ा, हाँ यहाँ से कनेक्ट हो सकती है, तो दोनों लैंड से आप आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये देख सकते हैं स्लाइड वाला एरिया, स्लाइड वाले एरिया में पहुँचे हैं हम, तो जा रहे हैं हम। एक ब्रिज तो बना दिया गया है यहाँ पे, एक ब्रिज का काम पेंडिंग है, देख सकते हैं राइट साइड में ब्रिज बना हुआ है, लेफ्ट साइड वाला ब्रिज बन रहा है अभी, काफ़ी स्पीड के साथ काम, फिलरिंग वगैरह होगी, अब स्लैबिंग का काम होना है, तो जल्दी हो जाएगा स्लैब मुझे लग रहा है, ब्रिज रेडी होने वाला है। ये देख सकते हैं आज यहाँ से दूसरी लैंड भी चल रही है गाड़ी, दूसरी लैंड से भी गाड़ियाँ चल रही हैं आज, तो हम जाएंगे अपने ऊपर वाली लाइन से, क्योंकि पेट्रोल भरा के आ रहे हैं, पेट्रोल पम्प है यहाँ पर, तो इसलिए दूसरी लैंड से जा रहे हैं, तो हम जाएँगे अपने लैंड में। अभी हम मेहाड़ पहुंचने वाले हैं जहाँ पे एक्सीडेंट की साइट थी, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही खतरनाक, रोड यहाँ पे थोड़ा ख़राब हुआ है, ये खड्डे बन गए यहाँ पे बड़े बड़े, तो ये देख सकते हैं नीचे वाली लाइन भी बनी है, हम नीचे वाली लाइन से भी जा सकते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखें कहाँ से कहाँ है, लाइन से भी जा सकते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम वाली लाइन भी तैयार है, चल रही है गाड़ी, वहाँ से भी जा सकते हैं अब। आज अक्टूबर का महीना है लेकिन गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, रामबन में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको पता ही होगा, देख सकते हैं ये ऊपर के लिए रोड जाता है, नेहरा जगह है ऊपर, हम मेहाड़ में सब दोनों लैंड बन चुके हैं यहाँ पे, दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रही है आज, हम नीचे से भी जा सकते थे क्योंकि हमारी लैंड वही थी, बट हम आए नहीं, थोड़ा ख़राब है यहाँ पे, ये देख सकते हैं थोड़ा ख़राब है अभी, यहाँ पे पेंडिंग है थोड़ा, नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं थोड़ा काम पेंडिंग है, यहाँ पे पेट्रोल पम्प के लिए ओपन किया गया, थोड़ा बहुत मुझे पेट्रोल भराना होता है तो इनसे यहाँ से नीचे जाना पड़ता है फिर पेट्रोल भराने के लिए। तो मेहाड़ में इस वक्त जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी आपको एक्सीडेंट वाली साइड बताएंगे, आपको कोशिश करेंगे यहाँ से पूछेंगे कि एग्जैक्ट कौन सी जगह थी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो चलो चलते हैं देखते हैं पूछते हैं किसी को कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खड्डा जैसा है, ये देख सकते हैं, मुझे लगता है आगे कहीं हुआ है ये एक्सीडेंट, यहाँ से तो चांसेस नहीं है, ऐसा श्रीनगर से गाड़ी आ रही थी, वो छोटी गाड़ी थी स्विफ्ट, तो देखते हैं आगे पूछते हैं किसी से, आज तो वर्कर्स भी नहीं है यहाँ पे, लगता है यहाँ से कहीं एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का इसी साइड से, तो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन थी, गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं वापसी में दिखाऊंगा आपको,
हुआ था एक्सीडेंट, गाड़ी को जाने देते हैं, इधर पूछेंगे किसी को, इधर पूछने की कोशिश करेंगे हम किसी को, किसी से पूछने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ दो मिनट रुकता हूँ, मैं पूछता हूँ इधर किसी को, मैं यहाँ पे पूछता हूँ किसी को एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था। दो मिनट गाड़ी पार्क कर लेते हैं यहाँ पे, वीडियो को ऑफ कर लेते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं एक्सीडेंट वाली साइट, ये मेहाड़ में हम इस वक्त, ये यहाँ से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ये यहाँ से नीचे गई थी गाड़ी, ये यहाँ से, ये इस लोकेशन से सीधा चनाब में, ये देख सकते हैं ये मेहाड़, ये पार वाला इलाका मैत्रा, ये मैत्रा है, तो यहाँ से एक्सीडेंट हुआ था, ये वाली जगह। यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे हमें वो एक्सीडेंट वाली साइड देखनी है, तो यहाँ से गाड़ी आ रही थी यहाँ से, तो यहाँ से सीधा नीचे ये चनाब, ये वाली लोकेशन देख सकते हैं आप, ये मैत्रा, ये रामबन आगे, ये जगह, ये राम श्रीनगर से आ रही थी गाड़ी, यहाँ से सीधा नीचे श्रीनगर से आ रही थी, यहाँ से टर्न हुई थी गाड़ी और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे तभी मैंने वीडियो बनाई है, ये साइड दिखाई आपको, तो चलते हैं आगे। आप ये देख सकते हैं जा रहे हैं हम आगे, जाएंगे हम यहाँ पे, थोड़ा कटिंग का काम पेंडिंग है, राइट साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे कटिंग का काम पेंडिंग है, तो ट्रक बड़ी स्पीड के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सिंगल रोड है, ऐसा जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी काम पेंडिंग है अभी, इसमें यहाँ पे कटिंग होगी, कटिंग क्लियरेंस का काम है, यहाँ पे आई जाएगी, यहाँ से स्लाइड बहुत ज़्यादा आ जाती है, बार बार स्लाइड आती है यहाँ पे, तो इसलिए हो नहीं पा रहा है, खत्म काम। जा रहे हैं हम आगे के लिए रामबन पहुँचने वाले हैं, चपटेरिया मोड़, चपटेरिया मोड़ में इस वक्त जब हम इधर से जम्मू से श्रीनगर के लिए जाते हैं, तो फ्लाईओवर का दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से फ्लाईओवर आएगा। तो इस वक्त हम जा रहे हैं आगे रामबन की तरफ, जम्मू से रामबन की तरफ जा रहे हैं, ये देख सकते हैं बाज़ार से एंट्री होने से पहले ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ये पहला मोड़ जो है यहाँ पे, बस बिल्कुल यहाँ से थोड़ा आगे, ये जहाँ से आप ये खंभे देख सकते हैं बिजली के, वहीं से ये देखिए यहाँ से रास्ता है नीचे फ्लाईओवर के लिए। अभी इसकी कटिंग करके और रास्ता बनाए, ये देख सकते हैं ये रास्ता है फ्लाईओवर के नीचे, ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये वाला रास्ता है ना, तो ये वाला रास्ता, तो अब जा रहे हैं हम सीधा बाजार जाएंगे, पहले आगे जाते हैं।